मैम लोग ले बस बस मैं राजा जाऊंगा भाई बुलाएगा आगे खड़ा है राजा ले राजा विराज विराज मैम इधर देखो मैडम यहाँ पे तो आप देखा ही नहीं आपने इधर मैम इधर यहाँ पे थोड़ा पूरे आदमी इधर देखो मैम मैम इधर थैंक यू यार यहाँ पे मैं इधर पांडे का कैमरा इधर है बस शांति शांत अब क्या लोगे ये ट्राइपॉड चाहिए अभी वाइट थोड़ी होगा हाँ ले ले एकदम हट जाएंगे अरे आप कहाँ हैं सर कहाँ हैं रोमी यहाँ पे सामने यहाँ पे बस 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 क्या बात है नहीं पहला यहाँ पे रोमी भाई इधर को रोमी वेट थोड़ा इधर पोज थोड़ा इधर पीछे का पोज इधर वेरी गुड मैं अभी आराम से अरे 10 बज रहा है भाई कितना विराज विराज अरे चॉकलेट बॉय किशन आज कौन सा डे है यार आज रोल करके तुम लोग ये बात कर रहे हो विराज विराज आज प्रपोज डे है ना नहीं यहाँ पे मैम इधर देखिए थैंक यू
यहाँ पे स्टैंड पे स्टैंड ही भाई यहाँ पे यार विराज यहाँ से होगा वायरल यहाँ से होगा विराज इधर बस यहाँ पे सामने इधर इधर मैम इधर सर इधर 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 मैम सामने देखो आज हाँ ठीक है काम भर का चिल्ला रहे लाइक टू थैंक एवरीबडी मेरे बर्थडे पार्टी के फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी मेरे बर्थडे पार्टी के आने के लिए एंड आज ही हम लोगों ने दीवाना का टीजर रिलीज किया है एंड पितूर ऑलरेडी 35 हो गया है 35 मिलियन क्रॉस कर चुका है तो उसके सेलिब्रेशन में वी थॉट पार्ट टू आना चाहिए पितूर का एंड सबने इतना मैसेजेस किए मेरे को कि पार्ट टू चाहिए इतनी सैड एंडिंग नहीं हो सकती हैप्पी एंडिंग चाहिए दैट इज़ वाई हम लोगों ने दीवाना बनाया एंड कुछ है आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा पिछले 3 दिन से सबसे क्लिप मेरा वायरल हुआ है कि मैंने गाना किसी के लिए लिखा है मेरे को हर जगह यही क्वेश्चन आ रहा है कि कौन है लड़की इसका फर्स्ट अल्फाबेट बता दो पिक्चर शेयर कर दो पर मैं यही बोलूँगा कि उसको लेके मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है एंड इतना प्यार से उसके लिए मैंने इतने गाने लिखे हैं अब दीवाना भी उसके लिए लिखा है एंड अब वो रिलीज़ होगा अब उसको मालूम तक नहीं है कि मैंने फितूर उसके लिए लिखा है और ना ये मालूम है कि दीवाना उसके लिए लिखा है जब उसको ही नहीं पता कि मैं प्यार करता हूँ उससे ये गाना उसके लिए लिखा है तो उसका नाम कैसे बोल दूँ बाहर आई थिंक वो सीक्रेट रहेगा तो बेहतर है हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं इनको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हूँ और क्या पूछा था आपने एवरीथिंग आई थिंक ऑनेस्टली एवरीथिंग अबाउट हिम इज वेरी लाइक गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल यस और इनके साथ काम करके मुझे लगा ही नहीं क्योंकि हम दोस्त हैं वी आर नाउ लाइक बेस्ट फ्रेंड्स फैमिली ऑफ सडन एंड बस हम सेट में मस्ती करते थे और अभी भी वी शेयर द सेम बॉन्ड लाइक टिल टुडे सो या होपफुली तो रो करो क्या कहना चाहिए आज सारी चीजें आपको ये तो बस आप लोगों का प्यार है एंड अभी भी सपना लग रहा है मेरे को आज सुबह जब से मैं उठा हूँ टीजर लॉन्च हुआ है ऐसा लग रहा है दिस इज लाइक ए ड्रीम मेरे लिए इतने सारे लोग इतने कैमराज ये सोच के ही ना गुजरम जा रहे हैं मेरे को राइट नाउ बहुत ज़्यादा आई एम ब्लेस्ड वैसे आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को इतना प्यार देते हो आप लोग एंड गाने के ऊपर भी इतने अच्छे रिव्यूज दिए आप लोगों ने तो बस ब्लेस फील करता हूँ मैं सो एक मूवी का काम चल रहा है वो भी आ जाएगा तो फिर वो भी अनाउंस कर देंगे पर आएगा मूवी आ रही है थैंक यू नहीं अगला गाना हाँ तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कामे के साथ वर्क करके ऐसा कभी ऐसा लगा नहीं कि को स्टार है ऐसा कुछ ऐसे टैंट्रम कुछ सही नहीं इट फेल्ट लाइक मेरी दोस्त है एंड हम लोग जब मिले थे फर्स्ट वर्कशॉप में वी वर स्ट्रेंजर्स एंड अभी यहाँ तक आते आते बिकम बेस्ट फ्रेंड्स आज दोनों ने बोला आज दोनों ने बोला बेस्ट फ्रेंड्स मिला है लेकिन जो फेम को अटेन करना और फेम को वो कैरी फॉरवर्ड करना है बहुत बड़ी बात होती है जैसे राहुल का एग्जांपल ले लें
तो मेरा फोकस तो फेम पे है ही नहीं फिलहाल, तो मेरा फोकस है नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करना है. नेक्स्ट इट्स पार्ट ऑफ द जॉब, बट एज एन एक्टर एंड एज अ म्यूजिशियन आई एम मोर फोकस्ड क्रिएटिविटी पे मेरे, कि मेरा रोल इस कि मैं ऑडियंस को एंटरटेन करूँ और उनको म्यूजिक दूँ, एक्टिंग दूँ. बाकी सब तो आई थिंक इट्स ऑल ऑडियंस पे और आप सब पे, वो सपोर्ट फेम वो आप लोग ही देते हो, मैं तो बस क्रिएटिविटी दे सकता हूँ यहाँ पर. इंस्पायर शाहरुख खान, शाहरुख द रोमांस. आई थिंक एवरी इंडियन आई थिंक पूरे वर्ल्ड में आज लोगों ने रोमांस सीखा है तो ये पोज कर कर ही सीखा है. तो आई थिंक सर ने, शाहरुख सर ने जो रोमांस दुनिया को सिखाया है ना, वो ही हैज चेंज रोमांस के डेफिनेशन लोगों के लिए. आई थिंक जहाँ पर भी मेरे को अपना क्रिएटिविटी दिखाने मिलेगा, एक्टिंग करने मिलेगा, गाना गाने मिलेगा, मैं वहाँ पर हर जगह पहुँच जाऊँगा. आई थिंक प्लस तो है कि मैं एक्टिंग भी करता हूँ, टच वुड के एक्टिंग भी करता हूँ, म्यूजिक भी बनाता हूँ, म्यूजिक सिंग गाना भी गाता हूँ. सो वो प्लस पॉइंट तो है मेरे पास. बट एज आई सेड पहले के इंटरव्यूज में भी, अगर आप लोगों का प्यार नहीं है, ऑडियंस का प्यार नहीं है, तो सारे सारे टैलेंट वेस्ट है. बर्थडे सेलिब्रेशन है डेफिनेटली. सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे रोमियो, और उसके साथ साथ तेरा फितूर की कामयाबी, इनको बहुत बहुत मुबारक हो. उसके बाद तेरा दीवाना जो है वो आज टीजर लॉन्च हुआ है, उसके बाद परसों आप गाना भी देखेंगे. तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा रोमियो के साथ काम करने का, कामिया के साथ काम करने का, और बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट हमने देखा तेरा फितूर, जो हमारा बहुत पसंद किया गया. अभी आप देखिए लोगों की मांग पर तेरा दीवाना भी आ गया है, तो आप देखेंगे तो उसमें और आपको एक डिफरेंट रोमियो दिखेगा उसमें, जो आप परसों डेफिनेटली देखने वाले हैं. फिल्म देखिए, पिछली बार जब हमने तेरा फितूर बनाया था, आप लोगों ने कहा कि अगला गाना गवाने वाला है, तो ले आए. अब आपका क्वेश्चन आया है कि फिल्म कब बनाने वाले हैं, तो बिल्कुल सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि बनाई जाए, कोई ना कोई फिल्म जरूर बनाई जाए, और जल्दी कुछ ना कुछ तो करेंगे. थोड़ा सोचते हैं, आज से थॉट प्रोसेस शुरू हो गया. मैं ये स्किल नहीं समझता हूँ. मैं आई थिंक जो मैं हूँ वो सामने हूँ आपके, एंड आप लोगों ने वही प्यार दिया है मेरे को, इसलिए आज यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं. नया गाना रिलीज का टीज़र रिलीज कर रहे हैं आज, दो दिन में गाना भी आ जाएगा. तो मैं बोलूँगा कि ये स्किल कुछ ऐसा सोच के प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं है, इट जस्ट मैंने गाना बनाया, शूट किया, हम लोगों ने रिलीज कर दिया, आप लोगों ने प्यार दिया, इट्स बेसिक हमारे लिए. तो एक्चुअली मेरे लिए कोई एक एक इंसान नहीं है, मैं हर किसी से कुछ ना कुछ थोड़ा इसका मुझे हर किसी एक इंसान से इंस्पिरेशन मिलता है, बट मैं करती वही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है एंड ऑफ द डे, लाइक जो मैं करना चाहती हूँ. पर आपको लाइक यहाँ पे और बाहर लाइक इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो लाइक हर एक चीज़ किसी ना किसी की आपको अच्छी लगती है, तो बस वैसे ही है. बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. थैंक यू.